70 और 80 के दशक की खूबसूरत और दमदार एक्ट्रेस रेखा आज भी अपने ग्लैमरस अंदाज से चर्चा में बनी रहती हैं। रेखा, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खूब नाम कमाया है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रही है। अभिनेत्री रेखा की जिंदगी में कई ऐसे राज हैं जिसे आज कोई भी नहीं जानता। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेखा सुपरस्टार होते हुए भी क्यों खुद को अपने ही घर में कैद रखती हैं और क्यों वो खुद को दुनिया से अलग रखती हैं। इस गहरे राज के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रेखा का जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और इस कारण उनके पिता ने रेखा को कभी अपनी बेटी नहीं माना। रेखा की मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन वे हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भी बहुत अच्छी तरह बोल लेती हैं। घर की स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने पढ़ाई को छोड़कर बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। अपने 40 साल के करियर में रेखा ने लगभग 180 से ज्यादा फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बनाया है। अपने शानदार अभिनय से किरदार में जान डालने वाली रेखा को 3 बार फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मान दिया गया है। अपने फिल्मी करियर के दौरान कई बार उन्हें निराशाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में रिलीज हुई फिल्म रंगूला रत्नम से की और 1969 में रिलीज हुई इनकी पहली फिल्म अनजाना सफर से इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। एक्ट्रेस रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने एक साथ बहुत सारी फिल्मों में तहलका सा मचा दिया था। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम जैसी हिट फिल्म से ये बॉक्स ऑफिस में टॉप पर रही। फिर इन दोनों के बीच अफेयर की बहुत अफवाहें उड़ी, लेकिन इन अफवाहों को नजरअंदाज करके अमिताभ ने हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस जया भादुड़ी से शादी कर ली। फिर साल 1990 में रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन रेखा की किस्मत में शायद उनका प्यार नहीं लिखा था। एक रात रेखा के पति ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्हीं दिनों रेखा और विनोद मेहरा की शादी की अफवाह भी उड़ी, लेकिन रेखा ने इन बातों का खंडन करते हुए कहा कि विनोद मेहरा सिर्फ उनके शुभ चिंतक हैं। आज रेखा बांद्रा मुंबई में अपने आलिशान घर में अकेली रहती हैं और अभी हाल ही में रेखा के घर के बारे में बहुत अफवाहें उड़ी थी। रेखा के घर के अंदर सुरक्षा बहुत ही कड़ी है और उनका घर चारों तरफ बांस से घिरा हुआ है। उनके बॉडीगार्ड 24 घंटे रेखा की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अगर कोई विजिटर रेखा से मिलने जाता है तो ये बॉडीगार्ड्स ही उसे रेखा तक लेकर जाते हैं। रेखा ने अपने घर में ऐसे दरवाजे लगा रखे हैं जो पासवर्ड्स या मशीनों से ही खुलते हैं। रेखा अपनी कोठी में एक रानी की तरह रहती है, लेकिन अपने समय की एक मशहूर अभिनेत्री आज केवल अपने ही घर में कैद होकर रह गई है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि बॉलीवुड में इंसान दौलत और शोहरत दोनों कमाता है, लेकिन समय निकल जाने पर ये शोहरत हाथ से निकल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रेखा के साथ भी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।